लीजिए कि फाइट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है और आप उसको पटकना चाह रहे उठा करके, उसका हाथ या इस तरीके से ये पकड़ में आ गया है, ठीक, या हाथ आपने पकड़ लिया है या इस तरीके से। अक्सर लड़के क्या करते हैं, इस तरीके से ये लड़ रहे हैं, अब तो सवाल नहीं पैदा होता कि अब आप ऐसे पकड़ पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, हाथ को बाहर निकालते हैं, ठीक, बाहर निकालते हैं और इसके हाथ सहित इसको पकड़ लेते हैं, और हाथ सहित पकड़ने के साथ साथ भी आप फेंक सकते हैं इसको उठा के। और यहाँ से जब आप इसका हाथ इधर निकालते हैं तो ये हाथ पकड़ा रहेगा, ये हाथ इधर लगा करके अब आप मोड़ते हुए इसके हाथ को उठा कर फेंक सकते हैं। और किस तरीके, कौन से ऐसी टेक्निक होगी जहाँ से आप इसे थ्रो कर पाएंगे, वो होता है आपका बैक साइड यानी कि पीठ का एरिया, पीठ से आपको इसे जंप कराना है और हाथों से खींचना है, थाई पावर से इसे थ्रो करना है आगे की तरफ। तो ये तीन टेक्निक लगेंगी एक साथ तब ये बंदा आगे तरफ थ्रो हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए अब इस बंदे से मेरी लड़ाई होगी, ठीक, मैंने इसका यहाँ से टोन लिया और इस... दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे हिट कर लीजिए, तभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी, और अपने ग्रुप में इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हाथ को यहाँ से इस तरीके से पकड़ लिए, ये और ये, इस तरीके से आसानी से हम इसे पटक सकते हैं। इसके लिए हमने मैट का यूज किया है, आप फर्श वर्श पे मत पटक दीजिएगा, मैट का हमने इसलिए यूज किया है। पटकने के साथ साथ आप इसे फिट कर सकते हैं यहाँ से फेस के ऊपर। उसके बाद देखिए, अब कोई बंदा आपको डाउन कर देता है, उंगलियां मोड़ा और इस तरीके से डाउन कर दिया, एक घुटने बैठा दिया, तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, उंगली मोड़ी हुई है आपकी, ठीक, तो आप इस हाथ को तेजी से अंदर इधर फुलाने की कोशिश कीजिए, यहाँ से इसे पकड़ेंगे और यहाँ से इसे थ्रो करेंगे। थ्रो करने के साथ साथ इस फिंगर को बैंड करेंगे, बैंड करने के साथ साथ फिर इसके ऊपर पंच। देखिए ये टेक्निक तभी आएगी जब आप अपने शोल्डर से, पीठ से और थाई से तीन जगह से पावर जनरेट कर पाएंगे। तीन पावर के साथ साथ ही आप अगले को थ्रो कर सकते हैं, इसमें कितना भी वेटेड बंदा आगे आके गिरेगा। देखिए क्या टेक्निक होती है उसकी। तो ये देखिए, इस हाथ को आपको यहाँ से पकड़ना है और हाथ को बाहर नहीं रखना, हाथ को आउटसाइड करके रखना है, और आपको इसके बॉडी के जितना करीब आप जा सकते हो उतना, यहाँ रखोगे थ्रो नहीं हो पाएगा, अगर आप यहाँ घुसोगे अंदर ही तरफ तो थ्रो हो जाएगा। इसका आप ये पकड़ सकते हैं या फिर शोल्डर का हिस्सा पकड़ सकते हैं यहाँ से, और अपने थाई, ये देखिए अब थाई हमारी बैंड हुई है, इसको हमने अपने ऊपर इस हाथों से अपने ऊपर खींच लिया, ठीक, इसको पकड़ना है और इसको यहाँ से अब हम पीठ से उठा देंगे, इसको यहाँ से पीठ से, और हम थाई से आगे की तरफ इसे थ्रो कर देंगे। तो ये क्या टेक्निक हो जाएगी, पकड़े खींचे बाहर की तरफ, खींचे तो आपकी बॉडी उसे बॉडी में चिपक जाएगी, चिपकने के साथ साथ आप आगे उठा के इसे थ्रो कर सकते हैं। तो बहुत ईजिली टेक्निक के साथ आप किसी भी बंदे को उठा के इसको आगे की तरफ पटक सकते हैं और बुरी तरीके से पीट सकते हैं। तो इन सेल्फ डिफेंस के साथ आसानी से आप किसी को भी हरा दोगे, बहुत इजी टेक्निक से, अगर हाथों फंसा आपसे तो तुरंत उठा के आप इसे थ्रोइंग कर सकते हैं।